हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SS इलेक्ट्रीशियन पर। पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से जो हमारा RO का इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होता है उनको मल्टीमीटर के द्वारा कैसे चेक किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि RO का जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है वह कैसे काम करता है, यानी कि वर्किंग क्या होती है उसके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको बढ़िया तरीके से सभी RO के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की वर्किंग समझ में आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम SMPS को चेक करते हैं। SMPS 24 वोल्ट की DC सप्लाई प्रोवाइड करवाता है। जब ये SMPS 24 वोल्ट की DC सप्लाई प्रोवाइड करवाता है तो RO में लगने वाले सभी 24 वोल्ट वाले कंपोनेंट काम करने चाहिए। तो यहाँ पर हम इसकी वर्किंग को देख लेते हैं। अब यहाँ पर बूस्टर पंप है, बूस्टर पंप को 24 वोल्ट अगर देंगे तो बूस्टर पंप चलेगा और काम करेगा। तो चलिए हम वही चेक कर लेते हैं कि बूस्टर पंप काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, हम इन सभी सामानों को इस साइड में रख देते हैं। अभी एक एक चीज़ को चेक करना आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये SMPS है, SMPS का जो ये वाइट वाला थोड़ा सा कलर वाला तार है यह प्लस है और ये वाला माइनस है। प्लस माइनस का कैसे पता चलेगा, पिछली वाली वीडियो में हमने बताया हुआ है कैसे पता चलेगा। तो ये प्लस वाला तार है, ये माइनस वाला तार है। जो प्लस वाला तार है इसको रेड वाले तार से कनेक्ट कर देना है। तो चलिए हम इस रेड वाले तार से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि बूस्टर पंप का ये जो रेड वाला तार है यही प्लस वाला वायर है। तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया और जो माइनस वाला वायर है इसको भी इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है इसी में। तो देख सकते हैं ये दोनों ही वायर कनेक्ट हो गए। अब इन दोनों वायरों के कनेक्ट हो जाने के बाद SMPS को सप्लाई देना पड़ेगा। तो SMPS को 230 वोल्ट की AC सप्लाई देना होगा और AC सप्लाई देने के बाद ये बूस्टर पंप चल रहा है या नहीं चल रहा है इसका प्रूफ भी आपको हम दिखाएंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो अगर ये बूस्टर पंप काम कर गया तो समझ लीजिए कि हमारा SMPS काम कर रहा है। अगर बूस्टर पंप भी काम कर रहा है तो समझ लीजिए ये दोनों काम कर रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो क्लिप है इस क्लिप को यहाँ से हटा देना है, क्योंकि यहाँ पर हम एक बड़ी पाइप लगाएंगे और यहाँ पर पानी को खिंचवा करके दिखाएंगे। तो चलिए इस पाइप को हम निकाल लेते हैं। ये हमारी पाइप निकल गई। अब इसमें हम एक दूसरी पाइप लगाते हैं। पहले हम इस बूस्टर पंप में देख लेते हैं इसका फ्लो किस साइड से किस साइड में है। तो यहाँ पर आप भी देखिए, इसका फ्लो इस साइड से इस साइड में है। इसका मतलब इधर से इनपुट करवाना है और यहाँ से आउटपुट करवाना है। तो हम इधर से इनपुट करवाते हैं। हम यहाँ पर एक पाइप लगा लेंगे। ये पाइप लग गई। इस पाइप के लग जाने के बाद यहाँ से आउट करवाना है। तो हम एक पाइप यहाँ पर और लगाते हैं। चलिए, दो पाइपें हमने लगा लिया, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट के लिए। ये वाली पाइप इनपुट है और ये वाली पाइप आउटपुट है। अब यहाँ पर SMPS को सप्लाई में लगाना है और सप्लाई में लगाने के बाद बूस्टर पंप को चलाना है और बूस्टर पंप को पानी खिंचवा करके दिखाना है, यानी कि पानी ये खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है। तो इसके लिए हमारे पास ये दो बोतल है, देख सकते हैं एक बोतल में पानी भरा हुआ है। तो इस भरे हुए पानी में हमको इनपुट वाली पाइप को इंसर्ट करा देना है, यानी कि डाल देना है। चलिए, इस भरे हुए बोतल में हम क्या करते हैं, जो हमारी इनपुट वाली पाइप यानी कि ये वाली पाइप है इसको हम इस प्रकार से अंदर की तरफ में डाल देते हैं। ठीक, अब क्या करना है, जो हमारी आउटपुट पाइप है यानी कि ये वाली पाइप, इस पाइप को हम एक खाली वाले बोतल में डाल देते हैं ताकि पानी इसमें से खींच करके दूसरे वाले बोतल में भर सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खाली बोतल है, इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, देख सकते हैं। अब ये पाइप हम इसमें डाल देते हैं। इस पाइप के इसमें डाल देने के बाद अब आपको करना क्या है, इस SMPS को लगाना है सप्लाई में। तो चलिए हम इस SMPS को सप्लाई में लगा लेते हैं। बोतल को हम इस प्रकार से पकड़ के रखते हैं। तो देख सकते हैं पानी खाली हो रहा है और दूसरे वाले बोतल में पानी भर रहा है। तो आपको क्लियर तरीके से पता चल रहा होगा कि ये बूस्टर पंप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब हम SMPS को यहाँ से निकाल देते हैं। आपने देखा कि ये जो हमारा भरा हुआ बोतल था, यहाँ पर देखिए ये भरा हुआ बोतल था ना, इस भरे हुए बोतल से पानी निकल करके खाली वाली बोतल में चला गया। इसका मतलब कि हमारा ये जो बूस्टर पंप है ये काम किया होगा, तभी पानी को खींच करके दूसरे वाले बोतल में भरा। तो आई होप आपको यहाँ पर जो वर्किंग है बूस्टर पंप की वो समझ में आ गई होगी। देखिए, पानी इसमें भर गया, पानी इसमें नहीं था इसमें भर गया, और इसमें पानी था तो इसमें का पानी खाली होकर के इसमें चला आया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं थम्सअप वाला पानी माउंटेन ड्यू में चला गया। तो क्लियर तरीके से आपको पता चल गया होगा कि बूस्टर पंप हमारा किस प्रकार से काम करता है, एक साइड से खींचता है दूसरे साइड से फेंकता है।
तो इस प्रकार से बूस्टर पंप तो क्लियर हो गया, ये सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा कि बूस्टर पंप कैसे चेक किया जाता है। चलिए अब हम अगले पार्ट की चर्चा करते हैं कि हमारा अगला पार्ट कौन सा है और वो वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है। हम देख लेते हैं इस सोलेनाइड वाल्व के बारे में कि सोलेनाइड वाल्व हमारा काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। पिछली वीडियो में हमने चेक करके दिखाया था तो कुछ रीडिंग बताया था, अब यहाँ पर क्या चेक करना है कि यह काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, मतलब कि इसका जो वाल्व है वो खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, इस चीज़ को चेक करना है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए बूस्टर पंप का सहारा तो लेना ही पड़ेगा और साथ ही साथ दो थिम्बल इस प्रकार से चाहिए होंगे। तो इन थिम्बलों को यहाँ पे लगा लेते हैं क्योंकि इसमें सप्लाई भी तो देना है। तो एक थिम्बल यहाँ पे लग गया और दूसरा थिम्बल यहाँ पे लग जाएगा। तो दो थिम्बल हमने यहाँ पे लगा लिए, सप्लाई को चालू करेंगे तो ये हमारा वाल्व खुलेगा और सप्लाई बंद रहेगी तो वाल्व नहीं खुलेगा। अब ये कितने बोल्ट से काम करेगा तो यहाँ पर हम आपको दिखा दें। तो यहाँ पर लिखा है डीसी 24 बोल्ट, यहाँ पर क्लियर तरीके से आपको दिख रहा होगा डीसी 24 बोल्ट। तो डीसी 24 बोल्ट लिखा हुआ तो इसका मतलब डीसी 24 बोल्ट से काम करेगा। अब ये जो इसके जो दोनों वायर हैं इन दोनों वायरों को एसएमपीएस से सप्लाई देना पड़ेगा, यानी कि एसएमपीएस का 24 बोल्ट इसमें भी इन करवाना पड़ेगा। तो इसमें इन करवा देते हैं, देखिए जो ब्लैक वाले तार हैं इस ब्लैक वाले वायर को यहाँ पर जोड़ देते हैं, वैसे इसमें किसी में भी जोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वायर यहाँ पर जुड़ चुका है, जो हमारा एसएमपीएस का आउटपुट है उसी में ये दोनों वायर जोड़े जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक वायर तो हमने जोड़ दिया, दूसरा वायर हम इसमें जोड़ देते हैं रेड वाले कलर में। तो ये दोनों वायर जुड़ चुके हैं, यानी कि जो हमारा ये सोलेनाइड वाल्व है सोलेनाइड वाल्व के दोनों ही वायरों में हमने सप्लाई दे दिया, यानी कि 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई इसमें भी इनपुट करवा दिया। अब बात आती है कि इसको कैसे चेक किया जाएगा कि इसका वाल्व खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो हमारा सोलेनाइड वाल्व है इसमें फ्लो पहले देख लेना होगा। इसका फ्लो देखिए इस साइड से इस साइड में है, इसका मतलब कि जो हमारा बूस्टर पंप होगा बूस्टर पंप का जो इनपुट होगा वह इस पॉइंट से जुड़ेगा। तो चलिए हम इस पाइप को पहले निकालते हैं और आपको छोटी सी पाइप कनेक्ट करके दिखाते हैं। इस पाइप को हमने निकाल लिया, इस पाइप को निकालने के बाद अब आपको करना क्या है, इनपुट इस साइड से करवाना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमने इनपुट करवा दिया और इनपुट करवाने के बाद यहाँ से एक पाइप हम बूस्टर पंप में जोड़ेंगे। तो चलिए एक पाइप हम बूस्टर पंप में ये वाले जोड़ लेते हैं, यहाँ से एक पाइप लगाएंगे और इसको बूस्टर पंप में जोड़ देंगे। अब बूस्टर पंप में यहाँ पे ये जुड़ेगा और ये वाली पाइप जो आउटपुट वाली पाइप है ये वैसे की वैसे ही रहेगी। तो चलिए अब आपको करना क्या है, अब ये वाली जो पाइप है जो हमारे सोलेनाइड वाल्व के इनपुट से कनेक्ट है इस पाइप में पानी डालना है, यानी कि पानी इसमें रखना है। तो इसका मतलब कि पानी तो हमारा इस बोतल में भर गया है ना, तो इस बोतल में जब पानी भर गया है तो अब हम इस पाइप को इस बोतल में लगा देते हैं। चलिए अब माउंटेन ड्यू का पानी थम्सअप वाले में जाएगा, देख सकते हैं इस प्रकार से ये पाइप हमने लगा दिया। जब ये पाइप हमने लगा दिया है तो अब ये जो आउटपुट वाली पाइप है यानी कि बूस्टर पंप से जो पानी आउट होगा उसको हम इस थम्सअप वाले बोतल में डाल देते हैं, देख सकते हैं। अब क्या करना है, अब ये जो हमारा एसएमपीएस है इसको फिर से सप्लाई देना है। अगर ये हमारा सोलेनाइड वाल्व सही है तो इसका वाल्व खुलेगा, पानी यहाँ से आ करके इसमें इंटर करेगा और पानी यहाँ से आउट होकर के बूस्टर पंप में जाएगा, तो हम ये मान लेंगे कि जो हमारा ये सोलेनाइड वाल्व है यह बिल्कुल ठीक है। अगर ये नहीं खुलता है तो पानी बूस्टर पंप खींच करके फेंक नहीं पाएगा, यही चीज़ चेक करना है। चलिए यहाँ पर हम एसएमपीएस को सप्लाई में लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एसएमपीएस को जैसे ही हम सप्लाई में लगाए वैसे ही जो हमारा माउंटेन ड्यू का पानी है वो हमारे थम्सअप वाले बोतल में जाने लगा है। तो देख सकते हैं क्लियर तरीके से आपको ये चीज़ें पता चल रही होंगी किस प्रकार से जो हमारा सोलेनाइड वाल्व है वो वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा माउंटेन ड्यू का पानी है वो थम्सअप वाले बोतल में जा रहा है। चलिए ये तो क्लियर हो गया कि जो हमारा ये सोलेनाइड वाल्व है वो ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पानी कुछ खाली हो गया, थोड़ा सा पानी बचा हुआ है तब तक हम निकाल दिए इसको। तो इस प्रकार से ये पता चल गया कि जो हमारा सोलेनाइड वाल्व है उसका वाल्व खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, तो क्लियर हो गया ना। अच्छा अब इसके बाद बात ये आती है कि अगर हम सोलेनाइड वाल्व को सप्लाई ना दें तो क्या ये पानी बूस्टर पंप आउट करेगा, इस चीज़ को भी हम जान लेते हैं। चलिए हम इसको सप्लाई नहीं देते हैं, सप्लाई नहीं दे रहे हैं और ये वाला पाइप यहाँ पे लगा रहे हैं। लगाने के बाद देखिए इसमें थोड़ा सा पानी है, अभी एसएमपीएस को लगा लेते हैं सप्लाई में। अब देखते हैं क्या पानी यहाँ से आउट होकर के बूस्टर पंप में जा रहा है और बूस्टर पंप आउट उसको कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है।
तो अगर ये कर पा रहा है तो भी इसको ख़राब माना जाएगा, क्योंकि सप्लाई देने पर काम करना चाहिए ना, और सप्लाई ना देने पर ये बंद होना चाहिए। यही चीज़ हम चेक करना चाहते हैं। चलिए हम SMPS को लगा लेते हैं। यहाँ पर SMPS हमारा लग गया है। अब यहाँ पर ये पानी को नहीं खींच पा रहा है, तो अब ये बूस्टर पंप पानी को नहीं खींच पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसका वाल्व खुल नहीं रहा है, इस वजह से पानी को खींच नहीं पा रहा है। एक बार फिर से हम सप्लाई में लगा के दिखाते हैं तो फिर ये खींचने लगेगा। तो देखिए, वो दोनों ही वायर को हमने जोड़ दिया है, लगा दिया है। अब SMPS के वायर को हम लगाते हैं सप्लाई में। देखिए, जैसे ही हमने सप्लाई में लगाया वैसे ये पानी को खींचना प्रारंभ कर दिया, और पानी हमारा थम्सअप वाले बोतल में भर रहा होगा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे क्लियर तरीके से चेक किया जाता है कि जो हमारा ये सोलेनॉइड वाल्व है वो ठीक है या नहीं ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा कि सोलेनॉइड वाल्व हमारा सही है या नहीं सही है, वर्किंग कैसे होती है वो भी आपको पता चल गया। चलिए हम इसको यहाँ से अब निकाल देते हैं। अब हम अगले कॉम्पोनेंट को चेक करते हैं। सोलेनॉइड वाल्व तो हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये हमारी कौन सी स्विच है? तो ये हमारी स्विच है फ्लोट स्विच, यानी कि टंकी में पानी खाली रहने पर फ्लोट स्विच RO सिस्टम को चालू करवा देती है, और टंकी में पानी भर जाने पर फ्लोट स्विच RO सिस्टम को बंद करवा देती है। तो इसको चेक करना है कि वर्किंग में है या नहीं है। तो फिलहाल में जिस RO में ये लगा हुआ था, उस RO में ये कुछ इस प्रकार से लगा हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से लगा हुआ था। टंकी में पानी खाली रहेगा तो उस टाइम पे फ्लोट स्विच का वेट नीचे की साइड में रहेगा, और टंकी में पानी भर जाएगा तो फ्लोट स्विच का वेट ऊपर की तरफ जाएगा। तो चलिए हम वही चीज़ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो सप्लाई दिया गया बूस्टर पम्प को ना, ये सप्लाई हम यहाँ से हटा लेते हैं। क्या करेंगे फिर? माइनस वाले वायर को हम वैसे ही जोड़ देते हैं। जो हमारा बूस्टर पम्प है ना, उसमें माइनस वाले वायर को हम ऐसे ही जोड़ देते हैं, और प्लस वाले वायर को हम इस स्विच के माध्यम से जोड़ेंगे। तो देखिए, स्विच के माध्यम से इसको कैसे जोड़ना है। यहाँ पर थिम्बल वाले वायर आपको दिख रहे होंगे, एक वायर जोड़ देना है SMPS के प्लस वाले वायर में। तो हमने इसको जोड़ दिया, और इसका जो दूसरा वाला वायर है इसको जोड़ देना है बूस्टर पम्प के प्लस वाले वायर में। तो ये सीरीज बन गया ना, तो इस प्रकार से जुड़ गया। और जुड़ जाने के बाद जो इसका दोनों थिम्बल है, इन दोनों थिम्बलों को हम लगा लेंगे इस फ्लोट स्विच के दोनों पिनों पर, और इसको कुछ इस पोजीशन में रखेंगे। और इस पोजीशन में रखने के बाद अब हम सप्लाई को चालू करेंगे, और जब हम सप्लाई को चालू करेंगे तो ये बूस्टर पंप चलेगा, और बूस्टर पंप जब चलेगा तो हमारा पता चल जाएगा कि हमारा फ्लोट स्विच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम ये वाला बोतल, भरा हुआ बोतल इस साइड में लेके आते हैं, और खाली बोतल हम इस साइड में लेके आते हैं। तो चलिए, इसमें हम पाइप को डाल देते हैं, और इसमें फिर से एक बड़ी पाइप लगा देते हैं, और बड़ी पाइप को लगा करके इसके पानी में डाल देते हैं। तो देख सकते हैं ये। चलिए अब SMPS को हम चालू करते हैं, और फ्लोट स्विच की पोजीशन को कुछ ऐसे ही रखते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए? हमारा बूस्टर पंप ऑन होना चाहिए, और पानी को खींचना भी चाहिए। चलिए हम ऑन करते हैं इसको। तो देख सकते हैं, बूस्टर पंप ऑन हो चुका है, पानी को खींच रहा है। अब हम इस फ्लोट स्विच को ऊपर की तरफ प्रेस करते हैं ऐसे। देखिए, ऊपर की तरफ प्रेस करने से क्या हो रहा है, पानी का खींचना और फेंकना बंद हो जा रहा है, यानी कि बूस्टर पंप बंद हो जा रहा है। तो यही इसकी वर्किंग है। अगर मान लीजिए टंकी में पानी खाली है तो बूस्टर पंप काम करेगा, देख सकते हैं काम कर रहा है। और टंकी में पानी जब भर जाएगा तो पानी का लेवल इसको उठाएगा ऊपर की तरफ, और जैसे ही उठाएगा वैसे ही पानी जाना बंद हो जाएगा, यानी कि पूरा सिस्टम हमारा बंद हो जाता है। तो इसी फ्लोट स्विच के माध्यम से ही सप्लाई अन्य कंपोनेंट्स को जाती है। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा कि फ्लोट स्विच कैसे वर्क करती है। चलिए हम निकाल देते हैं, नहीं तो पानी भर के यहाँ से गिरने लगेगा। देख सकते हैं, क्योंकि बोतल इसका लुढ़क चुका है, तो इसको हम सीधा कर देते हैं। तो ये हो गया चेक, यानी कि जो हमारा फ्लोट स्विच है वो कैसे वर्किंग में आता है, इसको भी हमने चेक कर लिया। तो फ्लोट स्विच को हम साइड में रखते हैं। के बाद एक लास्ट वाला चीज़ बचा है, लास्ट वाला कंपोनेंट बचा है, इसका नाम है LP स्विच, यानी कि लो प्रेशर स्विच। ये लो प्रेशर स्विच कैसे वर्किंग में आती है, इस चीज़ को हमको देखना है। तो जो हमारी LP स्विच है, ये ऑन तब होती है जब इसमें प्रेशर आता है। तो फिर से हमको वही काम करना है। देखिए, यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट हैं, जैसे हमने फ्लोट स्विच में लगाया था ना, वैसे ही इन दोनों ही थिम्बलों को यहाँ पे लगाना है, क्योंकि इससे सप्लाई होकर के आउट होगी, तभी हमको पता चल पाएगा हमारा जो LP स्विच है वो वर्किंग में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए, अब आपको करना क्या है, जब हम यहाँ से सप्लाई दे देंगे तो ये वर्किंग में आना चाहिए। जब ये वर्किंग में आएगा तभी हमारा बूस्टर पम्प काम करेगा, तभी हमारा बूस्टर पम्प पानी को खींच पाएगा।
तो अभी हम फिलहाल में सप्लाई देंगे तो ये सप्लाई हमारे बूस्टर पंप तक नहीं पहुंच पाएगी। चलिए हम सप्लाई दे के देख लेते हैं। सप्लाई हमने दे दिया है, बूस्टर पंप हमारा चालू नहीं हुआ। देख सकते हैं बूस्टर पंप हमारा चालू नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इस LP स्विच में प्रेशर देना पड़ेगा। जब हम प्रेशर देंगे तभी जा करके बूस्टर पंप हमारा चालू हो पाएगा, अन्यथा नहीं चालू हो पाएगा। तो इसको प्रेशर कैसे देना है इस चीज़ को समझना होगा। इसको प्रेशर देने के लिए हम एक पाइप यहाँ पे लगा लेते हैं और इस पाइप में मुँह से फूंक मारेंगे। जब इसमें हम फूंक मारेंगे तो ये LP स्विच ऑन होगी, और जब ये LP स्विच ऑन होगी तो उस कंडीशन में इस बोतल का पानी दूसरे वाले बोतल में भरने लगेगा। तो चलिए हम यहाँ पर सप्लाई में लगा करके इसको फूंक मारते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा SMPS है इसको हमने सप्लाई में लगा दिया। सप्लाई में लगाने के बाद हम इसमें फूंक मारते हैं। जब तक हमने फूंक मारा इस LP स्विच में तब तक हमारा जो सिस्टम है वर्किंग में था, यानी कि जो हमारा पंप था ये काम कर रहा था। और जैसे ही हमने फूंक मारना छोड़ दिया वैसे ही ये हमारा सिस्टम बंद हो गया, यानी कि बूस्टर पंप हमारा ऑफ हो गया। तो इसी प्रकार से ये जो हमारी LP स्विच होती है यह काम करती है, लेकिन यहाँ पर हमको फूंक मारना पड़ रहा है। वहाँ पर जो टंकी यानी कि जो हमारी छत वाली टंकी होती है ना, उसके पानी का प्रेशर इतना होता है कि हमारे फूंक के बराबर में वो है। तो जब हमारा टंकी का पानी यहाँ पर आता है तो यहाँ पर एक प्रेशर बनता है। जब यहाँ पर एक प्रेशर बनेगा तो यह RO सिस्टम को ऑन करवा देगा, क्योंकि सप्लाई यहीं से होकर के आगे जाती है। तो इस प्रकार से जो हमारा LP स्विच है वो चेक हो गया कि सही है या ख़राब है। एक बार फिर से हम फूंक मार के दिखाते हैं यह ऑन होता है या नहीं होता है। चलिए तो आपने देखा कि फिर से फूंक मारने के बाद जो हमारा सिस्टम है ये फिर से ऑन हो गया। इसका मतलब कि जो हमारी LP स्विच है वो वर्किंग में है, बढ़िया से काम कर रही है। तो अब हम इस पाइप को यहाँ से हटा देते हैं। आपको एक एक जानकारी, एक एक पार्ट्स की जानकारी आपको मिली कि कैसे हम किस पार्ट को चेक करेंगे। तो LP स्विच को चेक करना हमने बताया, बूस्टर पंप को चेक करना हमने बताया, और साथ ही साथ जो हमारा ये फ्लोर स्विच है और उसके बाद जो हमारा सोलेनॉइड वाल्व है, सभी की वर्किंग को हमने देखा कि कैसे ये सब काम करते हैं। तो इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।